मैं सबसे पहले हमारे प्रोफेसर रोहितार जी जो हमारे मित्र भी हैं भाई भी हैं बहुत आदमी हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आज उनका वक्तव्य दक्षिणी पर क्योंकि दक्षिण के रहने वाले हैदराबाद के रहने वाले हैं और इस पर भी उन्होंने कार्य किया है आप आज अपना वक्तव्य पेश करेंगे प्रोफेसर रोहितार जी मैं निवेदन करूँगा वो तशरीफ लाएं माननीय अध्यक्ष महोदय पांचाल जी मेरे मित्र दिलीप सिंह जी और नए पुराने साथी सभी लोग दरअसल 15वीं शताब्दी में अगर दक्षिणी गद्य की बात की जाती है और जिसकी ओर हमारे मित्र अरुण जी ने संकेत किया 15वीं शताब्दी में संपूर्ण भारतीय भाषाओं में गद्य की क्या स्थिति थी इसे हम हिंदी उर्दू को हमशीरा बहने कह जाता है इसे कदीम उर्दू भी कहते हैं और दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं मेरे गुरुवर श्री राम शर्मा ने जब दक्षिणी गद्य पद्य पुस्तक 1951 में लिखी थी तो राहुल सांकताय ने दक्षिणी हिंदी काव्य की भूमिका में लिखा था अगर मुझे पता होता कि हैदराबाद में दक्षिणी हिंदी पे कोई शख्स काम कर रहा है तो इस काम में मैं हाथ नहीं लगा और निस्संदेह वह किताब एक बहुत उम्दा किताब है उन्होंने राहुल सांकताय ने जो ट्रिब्यूट श्री राम शर्मा को दी मुझे इस बात का आभास हुआ कि क्या कारण होते हैं जब कोई अध्यापक रिटायर होता है तो विषय ही बंद कर दिया जाता है उस्मान यूनिवर्सिटी में श्री राम शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद ही विषय बंद ही कर दिया गया हालांकि दक्षिणी हिंदी की जो नींव उन्होंने रखी सबरस का अनुवाद भी किया कई किताबों का भी मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊँगा लेकिन ग्रियर्सन ने भी सुनीति कुमार चाटुर्जा ने भी बाबूराम सक्सेना आदि विद्वानों ने दक्षिणी हिंदी की तारीफ की जिसकी ओर अलीम साहब संकेत कर रहे थे क्या 15वीं शताब्दी में हमारी भारतीय भाषा में गद्य सक्रिय था उसकी उपस्थिति दर्ज होती है नहीं होती है बहुत कोशिश करने पर मुझे पुर्तगीज साहित्य में कोकनी साहित्य में 16वीं शताब्दी में कुछ धार्मिक प्रवचन मिलते हैं हम 252 वर्षों की वार्ता की बात करते हैं 84 वर्षों की वार्ता की बात करते हैं लेकिन गद्य का सुनियोजित विकास क्योंकि पंडितों की परंपरा संस्कृत की तरफ थी टीकाएं वार्ताएं लिखी जा रही थी और 15वीं शताब्दी का अगर हम ऐतिहासिक कालक्रम सोचें फारसी जहां राजभाषा के पद पर थी क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर सुन्नी लोग थे और दखन की रियासतों पर शिया लोग शिया लोगों का संबंध ईरान से अधिक था और वो लोग काबुल कंधार की ओर सोच रहे थे अफगानिस्तान की ओर सोच रहे थे बाबर ने तुर्कीनामा लिखा दारा शिकोह की बात हम जानते हैं कि बहुत से संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने फारसी में कराया लेकिन मित्रों अगर फारसी राजभाषा के स्तर पर थी तो लोक भाषा जनभाषा उस समय दक्षिणी थी जिस समय मिराजुल अश्किन लिखा जा रही थी उस समय उर्दू का अस्तित्व तो उत्तर भारत में नहीं था दक्षिण भारत को इस बात का श्रेय है कि दर्शन चाहे वह है हमारे पास शंकराचार्य हो निम्बकाचार्य मध्वाचार्य वगैरह संगीत में स्थापत्य में दर्शन में ही दक्षिणी योगदान नहीं दिया है बल्कि पुरानी जो कदीम उर्दू है या पुरानी हिंदी कहिए हिंदी गद्य का विकास केवल दक्षिणी से शुरू हुआ और दक्षिण हुआ यह ऐसे शाह तुराब जैसे कवि मिलेंगे जिन्होंने 5 पेज अगर महादेव की स्तुति की है 2 पेज फातिमा की है 3 पेज जैसो अली साहब की है जो सांस्कृतिक सौमनस्य की बात हम करते हैं जिस सांप्रदायिक का विरोध हम करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह एक ही शाह तुराब जो है मोहम्मद साहब की महादेव की गणेश की प्रतिमा की इब्राहिम अदिल शाह के दरबार में सरस्वती की प्रतिमा थी और बाका इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल आंध्र प्रदेश में नहीं मराठवाड़ा में नहीं कर्नाटक में नहीं सुदूर केरल तक के प्रांतों में वहाँ के मोबला मुसलमानों की दक्षिणी आज भी बोली जाती है और प्रचलित है दक्षिणी साहित्य के संदर्भ में सुनील कुमार चाटुर्जा राहुल जी अजय प्रसाद द्विवेदी बाबूराम सक्सेना आदि विद्वानों ने विवेचनात्मक टिप्पणी की है दक्षिणी भाषा संस्कृति की लोक चेतना पर वासुदेवन सर अग्रवाल रामदास शर्मा ने भी काम किया है और प्रस्ताव रखा है जिस प्रकार अपभ्रंश साहित्य के प्रकाश में आने से हिंदी की ऐतिहासिक परंपरा कई शताब्दी पीछे हट गई थी इसी प्रकार दक्षिणी के गद्य पद्य की यह सामग्री देश और काल में हिंदी की गंभीरता का विस्तार करती है 14वीं-15वीं शताब्दी में ख्वाजा बंदे नवाज का गद्य गोंदा की कविता अमनुल्लाह के दोहे चौपाई वजही की कविता तथा मसनवी किस्सा मैना सतवंती तथा उत्तर भारत में प्रचलित दोरी का चंदायन और अन्य सूफी रचनाओं का वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं विश्व के किन लाइब्रेरी में
कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनके क्लास, उनके क्लासिफिकेशन नंबर, कैटलॉग नंबर भी दिए गए हैं, और वह किताब अंतिम दिनों में छपी थी। द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज की भूमिका में चटर्जी ने दखनी के प्रचार प्रसार का श्रेय मुसलमान शासकों के सतत अभियानों, सूफी साधकों के प्रयासों और दक्षिण प्रदेश के सामंतों को दिया है। वैसे अनेकानेक विद्वान दक्षिण में दखनी हिंदी के प्रचार प्रसार का श्रेय तुगलक द्वारा देवगिरी को राजधानी बनाने के प्रयास और हसन गंगू बहमनी 747 हिजरी द्वारा स्वाधीन शासन की स्थापना को देते हैं, लेकिन यह वस्तुपरक सत्य है ईरानी प्रभाव से मुक्त होने के बाद दखनी रियासतों को दिल्ली से संबंध बनाए रखने के लिए दखन हिंदी, जो नस्तालिक लिपि में लिखी जाती थी, उसका ही सहारा लेना पड़ा, और यही इस भाषा के उत्तर की ओर बढ़ने तथा दखनी में फूलने फलने का सशक्त कारण बना है। प्रस्तुत संदर्भ में उर्दू के प्रसिद्ध आलोचक सैयद मोहिद्दीन कादरी जोर और नसरुद्दीन हाशमी का अभिमत द्रष्टव्य है कि जहाँ शुमाली हिंदुस्तान उत्तर भारत में फारसी के नगमे गूंज रहे थे, दखन के अदीब और शोरा कवि दखनी अदब और शायरी को तरक्की देने में मशरूफ थे, इन्हीं अवलिन बुजुर्गों में एक हजरत ख्वाजा बंदे नवाज है, जिस तहरीक का आगाज ऐसी मुबारक हस्ती के हाथों फरोग देने में आपकी रूहानी कुव्वत, आत्मिक शक्ति बराबर काम कर रही थी। परवर्ती दौर में हजरत शाह मिराजी शमशुल उशाक, हजरत शाह बुरादीन जानम, हजरत शाह अहमुद्दीन आला, हजरत मोहम्मद सदरुद्दीन ने इस सिलसिले को न सिर्फ कायम रखा बल्कि उसे फरोग देने में कुछ कमी न रखी, और यही सबील गद्य की परंपरा गुलबर्गे से चली थी। बीजापुर होते हुए जुनूबी दक्षिणी हिंद और मैसूर तक पहुंच गई थी। इसका प्रभाव गुजरात की गुजरी भाषा और गोवा की कोंकणी भाषा में आज भी देखा जा सकता है। दक्षिणी गद्य के विकास में साधकों में कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सोरादी संप्रदाय, मराठी के वारकरी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय और मध्ययुगीन निर्गुणपंथी विचारधारा के समित प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। इसके साहित्य में जैसे हमारे मित्र जो बुजुर्ग का नाम नहीं आएगा, मैं तो उनको बहुत युवा मानता हूँ, प्रवीण पांचाल जी ने भी अपनी सिनाप्सिस श्रीराम शर्मा के साथ डिस्कस की थी, और बहुत से जापानी विद्यार्थियों ने भी दखन हिंदी पर काम किया है। मैं कटिमणि जी से अनुरोध करूँ कि सारा साहित्य जो उपलब्ध है उसको हासिल करके इकट्ठा किया जाए, और दखनी साहित्य कोश की बात अगर की जा सके तो उर्दू साहित्य कोश से कहीं कम नहीं होगी। दखनी साहित्य को अभ्रंश साहित्य के समान धर्म साहित्य की संज्ञा देने का अंथक प्रयत्न, मैं फिर ध्यान चाहूंगा मित्रों, दखनी साहित्य को अभ्रंश साहित्य के समान धर्म साहित्य की संज्ञा देने का अंथक प्रयत्न राहुल शंकरतायन और श्रीराम शर्मा ने किया है। श्रीराम शर्मा ने दखनी के प्रारंभिक रचनाकार कन्हप्पा नवीं शताब्दी, पुष्पदंत दसवीं शताब्दी, कभी मैं गुलबर्गा से गुजरता हूँ तो मान्यखेट कभी राजधानी रही है राजकूटस राज्यों की, बड़ी इच्छा होती है उन खंडोरों में जाऊँ, उस सुने हुए अतीत के संगीत को सुनूँ मैं, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ का खबर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। अगर दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में दक्षिणी के प्रारंभिक बीज मिलते हैं, चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में सशक्त गद्य मिलता है, तो मित्रों क्या हम हिंदी साहित्य की विकास परंपरा को चार पांच शताब्दी पीछे नहीं ले जा रहे हैं? लेकिन कौन सोचता है, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज का सिलेबस होता है सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ते हैं लोग, पढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कौन इस अंथक पाताल की गहराई में जाने की कोशिश करेगा। कन्हप्पा, पुष्पदंत, दक्षिणी साहित्य को सुपुष्ट करने में हमें नामदेव, मैं बाकायदा उदाहरण दूंगा कि मराठी के नामदेव की जो अगर दक्षिणी सुनेंगे आप तो आज की उर्दू और उस समय कदीम मराठी और अभ्रंश के मिले जुले प्रभाव को देख सकते हैं। गोंदा चौदहवीं शताब्दी, शाह मिराजी पंद्रहवीं शताब्दी, ख्वाजा बंदे नवाज चौदहवीं शताब्दी, शाह बुरादीन सोलहवीं शताब्दी, मौला अब्दुल्ला सत्रहवीं शताब्दी आदि के साहित्य में उसके पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। दखनी का उद्भव और विकास हमें तेरहवीं शताब्दी से प्रमाणित रूप में उपलब्ध होता है। गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों ने तत्कालीन रचनाओं को भरपूर संरक्षण दिया। एक शिद्दत से बात महसूस करता हूँ कि अगर बाबर तुर्कीनामा लिखते हैं और तुर्की भाषा की ओर जाते हैं, अभी भी वो समरकंद और बुखारा में सोचते रहे, हिंदुस्तान की ज़मीन को बाद में अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बनाया अपनाया था, लेकिन कंधार वही बुखारा जिसके अगर किसी खूबसूरत नायिका सुंदरी के गाल पे तिल हो, उस काले तिल पर समरकंद और बुखारा को निछावर करने की बात उर्दू साहित्य में पोइट्री में आज भी की जाती है। सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी के शाह बुरहद्दीन जानम, गवासी मुला वजीन आदि ने से क्लासिक ऊंचाइयों तक, मैं कभी कोशिश करूंगा
कि दक्षिणी साहित्य काव्य के सौंदर्यवादी रुझानों की बात या समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात, लेकिन बात अभी इसमें गद्य की है तो इसके भी समाजशास्त्रीय अध्ययन की पेशकश होनी चाहिए। मुझे एक ऐसी भी कृति मिली है कि सेना में औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए मराठों की जो सेना थी उसमें तुर्क भी थे, अफगान भी थे, पठान भी थे, हिंदू भी थे, क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, और पूरा का पूरा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन मिलता है और किन किन देशों से उस समय व्यापार होता था उसका जिक्र मिलता है। बड़ी कोशिश रही कि जो कोल्हापुर के पास पनाहला घाटी है जहाँ पर औरंगजेब ने एक मराठे क्षत्रिय के सर की कीमत अशर्फी रख दी थी और वहाँ सैनिकों को कत्ल करने की जो भीड़ बढ़ी उसमें अपनी बीवी से, अपनी लड़की से उसे मांग करके वह कर्जा अदा करना पड़ा। और आज भी सुनहरी महल जो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी जहाँ से वो लड़का आया है अभी चंद्रदा केवड़ेने में, कभी ये रवायत रही कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दक्षिणी पढ़ाई और पढ़ाई जाती थी, मैसूर यूनिवर्सिटी में भी फुल वन, इब्ने निशाती का फुल वन पढ़ने के लिए मुझे बॉम्बे आमंत्रित किया गया था 1990-91 में। ये रवायत खत्म नहीं हुई है। कभी कभी आंधी तूफान आते हैं, कुछ पौधे झुक जाते हैं, वृक्ष तो उखड़ जाते हैं लेकिन पौधे फिर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर गवासी और मुला वज़ई ने इसको 15वीं-16वीं शतम क्लासिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, सैफुल मुल्क और बदी जमाल, कुतुब मुश्तरी और सबरस हमारे कथन की प्रामाणिक कृतियां हैं और पूरे संपूर्ण भारतीय भाषा में उस दौर में उस तरह की कदावर कृतियां नहीं मिलती है, चाहे तुलनात्मक अध्ययन, मुझे दुख इस बात का, इंद्रा चौधरी अगर होते आज तो कुछ दो चार डायलॉग उनसे भी होते, वे भी अपने आप को कंपेरेटिव स्टडी के विद्वान मानते हैं और ये अदना गरीब अपने आप को भी मानता है। ऐतिहासिक तथ्य, हाँ पांचाल जी उसे क्षतिपूर्ति करेंगे क्योंकि हमारे बुजुर्ग साथी में वो है श्रीराम शर्मा के समकक्ष, वो है ना, यह खबर दुश्मनों ने उड़ाई होंगी, वो आए और बगैर मेरे चले गए। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर गोलकुंडा बीजापुर के पतन का काल 1600-1700 शताब्दी के लगभग है। जिस प्रकार दिल्ली का पतन दिल्ली के शायरों अदीबों के बिखराव का कारण बना था, बड़े दर्द से गालिब ने भी दिल्ली के पतन पर 1857 में अपनी किताब लिखी थी, जिस प्रकार दिल्ली का पतन दिल्ली के शायरों अदीबों के बिखराव का कारण बना था, उसी प्रकार गोलकुंडा और बीजापुर का पतन हो जाने कारण दक्षिणी हिंदी उर्दू के कवियों और लेखकों ने अपनी साधना स्थली को त्याग कर उत्तर और दक्षिण दिशाओं में आश्रय तलाशना चाहा। परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तर काल में अर्थात 1786 से औरंगाबाद, बेलूर, मद्रास, कड़प्पा, सिद्दौर और मैसूर गुलबर्गा से साहित्यिक इतिहास के पलवन के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान के काल में भी दक्षिणी को प्रोत्साहन संरक्षण प्राप्त होता है। अपने राज्य की शंकराचार्य को जब पत्र लिखा था टीपू सुल्तान ने, वो संस्कृत में लिखा था। वह अपने राज्य की समृद्धि के साथ साथ उन्होंने दक्षिणी साहित्य और कला की समृद्धि पूरा पूरा ध्यान दिया, ये अलग बात है। अब्दुल कादर सरवरी ने उक्त सुल्तानों को उर्दू का संरक्षक और प्रोत्साहक सिद्ध करने का प्रयास किया है, परंतु उनका प्रयास समीचीन नहीं है क्योंकि यदि वे मात्र उर्दू के ही समर्थक होते तो मिरातुल इसरार जैसी कृति दक्षिणी में प्रस्तुत न होती। इसके अतिरिक्त टिपुल सुल्तान ने बहुत सारे कार्य किए दक्षिणी हिंदी के संरक्षण में। फारसी और अरबी से बोझिल व उर्दू रूप नहीं था जो उर्दू ए मौला का था। पूर्व काल का मध्ययुगीन साहित्यिक सांस्कृतिक दक्षिणी प्रदेश अब राज, वो है ना, यह खबर दुश्मनों ने उड़ाई होंगी, वो आए और बगैर मेरे चले गए। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर गोलकुंडा बीजापुर के पतन का काल 1600-1700 शताब्दी के लगभग है। जिस प्रकार दिल्ली का पतन दिल्ली के शायरों अदीबों के बिखराव का कारण बना था, बड़े दर्द से गालिब ने भी दिल्ली के पतन पर 1857 में अपनी किताब लिखी थी। जिस प्रकार दिल्ली का पतन दिल्ली के शायरों अदीबों के बिखराव का कारण बना था, उसी प्रकार गोलकुंडा और बीजापुर का पतन हो जाने कारण दक्षिणी हिंदी उर्दू के कवियों और लेखकों ने अपनी साधना स्थली को त्याग कर उत्तर और दक्षिण दिशाओं में आश्रय तलाशना चाहा। परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तर काल में अर्थात 1786 से औरंगाबाद, बेलूर, मद्रास, कड़प्पा, सिद्दौर और मैसूर गुलबर्गा से साहित्यिक इतिहास के पलवन के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान के काल में भी दक्षिणी को प्रोत्साहन संरक्षण प्राप्त होता है। अपने राज्य की शंकराचार्य को जब पत्र लिखा था टीपू सुल्तान ने, वो संस्कृत में लिखा था। वह अपने राज्य की समृद्धि के साथ साथ उन्होंने दक्षिणी साहित्य और कला की समृद्धि पूरा पूरा ध्यान दिया, ये अलग बात है। अब्दुल कादर सरवरी ने उक्त सुल्तानों को उर्दू का संरक्षक और प्रोत्साहक सिद्ध करने का प्रयास किया है,
परंतु उनका प्रयास समीचीन नहीं है, क्योंकि यदि मात्र उर्दू के ही समर्थक होते तो मिरातुल इसरार जैसी कृति दखनी में प्रस्तुत न होती। इसके अतिरिक्त टिपुल सुल्तान ने बहुत सारे कार्य किए दखनी हिंदी के संरक्षण में। फारसी और अरबी से बोझिल व उर्दू रूप नहीं था जो उर्दू में मौला का था। पूर्व काल का मध्ययुगीन साहित्यिक सांस्कृतिक दखनी प्रदेश अब राजनीतिक दृष्टि से कई प्रदेशों में विभक्त हो चुका है। बरार तारीख के प्रयोगता की सीमित है। जिंदा दलान के मुशायरे अभी भी होते हैं जहाँ पर 1.5-2 लाख की पब्लिक शिरकत करती है रात भर, वो दखनी में जाकर होते हैं। खैर मैं अधिक गहराई में नहीं जाऊँगा, कल कुछ बातचीत हो चुकी है। मराठी के विशिष्ट संतों की लोक भाषा और तेलुगु कन्नड़ भाषा की लयात्मकता और नाच सौंदर्य ने इसमें कम योगदान नहीं दिया। बीजापुर के एक आदिलशाही शासक ने तो ब्रज भाषा में नवरसनामा भी लिखा है जो राग रागनियों में है। दखनी के मूल निवासी पर फारसी की अपेक्षा ब्रज अवधि का प्रभाव पाया जाता है। कल विद्वानों ने बताया होगा कि औरंगजेब की सेना में, उससे पहले तुगलक की सेना में, मेरठ के, हरियाणा के, ब्रज के, राजस्थान के सैनिक आए जो रस बस गए। अभी भी एक मोहल्ला है हैदराबाद में धूलपेट, जो उन सेना के लोग आए उनके वंशज अभी भी अपने को सूर्यवंशी चंद्रवंशी मानते हैं, ठाकुर क्षत्रिय मानते हैं और उत्तर से वो अपना रिश्ते जोड़ते हैं जबकि बस गए दक्षिण में है। वजह का सबरस इस बारे में सटीक उदाहरण बन गया है। दखनी के दो रूप हमेशा प्रचलित रहे, एक बोलचाल का रूप और दूसरा साहित्यिक रूप। साहित्यिक दृष्टि से बीजापुर और गोलकुंडा की शैली अधिक प्रयुक्त हुई है, तो बोलचाल में औरंगाबाद और देवगिरी की भाषा जिसमें मराठी का पुट अधिक रहा है। कालांतर में दखनी के मूल निवासियों ने अपनी प्रादेशिक बोलियों तेलुगु, मराठी, कन्नड़ और कोंकणी के साथ दखनी के बोलचाल साहित्यिक रूपों को अपनाया है। मेरे मित्र वेंकटमन जी और हमारे राघव रेड्डी जी ने काफ़ी कुछ काम किया है तेलुगु और दखनी के संदर्भ में। दक्षिणी भाषा की मिठास और रवानगी के स्वरूप को लक्ष्य कर कई आलोचक इसे कदीम उर्दू मानने में संकोच नहीं करते। आज भी उर्दू लिटरेचर जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ कदीम उर्दू भी है, पुरानी हिंदी और गोदान भी पढ़ाया जाता है और हिंदी में भी गाली पढ़ाए जाते हैं और जायसी भी। दक्षिणी की बोली और दक्षिणी नामों का प्रयोग की चर्चा कल हो चुकी होंगी। सुधी पाठकों और आलोचकों को ज्ञात है कि मुल्ला वज़ी ने सन 1635 सत्रहवीं शताब्दी का आरंभिक काल 1635 में सबरस की रचना की है जो दक्षिणी भाषा बोली में दर्शन एवं रागात्मक बोध की अनुपम कृति है। उस दौर में दिल्ली में उर्दू का प्रचलन ही नहीं था। वली औरंगाबादी जब गए और जब उन्हें अपनी गजलें पढ़ी तो लोगों ने कहा ये उर्दू तो यहाँ प्रचलित है नहीं। दिल्ली में उर्दू का प्रवेश 1647 में उर्दू मौला बाजार छावनी की उर्दू का इलाका बसने के बाद होता है, तो श्रेय दक्षिण को ही जाएगा। यह हमारे बच्चन सिंह जैसे जो अधकचरे आलोचक होते हैं उनको दक्षिणी और दक्षिणी में कोई फर्क ही मालूम नहीं पड़ता। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उन्होंने लिखा लेकिन दोनों जगह पदों की बहुत गड़बड़ की उन्होंने। जब बनारस गया तो मैंने कहा प्रभु ये गलती क्यों करते हैं, प्रकाशन की सुविधा तो है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने भी लिखा तो दक्षिणी की कवियत्रियों की तरफ उनका ध्यान कम ही गया। अभी भी हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास लिखा जाएगा जो जो कोशिश द्विवेदी जी ने की है, जो कोशिश राहुल जी ने की है और दक्षिणी का समावेश हुए तो हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास ही कुछ अलग स्वरूप में बन जाएगा और गद्य हिंदी का अधिक सशक्त होगा अगर दक्षिणी का समावेश हो।